ਇਹ ਚਾਰ ਧਮਾਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਰਤੇਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੋ ਭਾਈ ਈ ਬਾਪਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕੋ ਆਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਫਿਲਮ ਬਦਲਾ बदला फिल्म हरियाणवी को लेकर के जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो हमारे हरियाणवी कलाकार जो है उनका मैं जिक्र करूं तो हरियाणवी संस्कृति को दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ते। यहां पर मौजूद है हमारे हरियाणवी कलाकार, उन तक आपको रूबरू करवाएंगे और उन तक बात करवाएंगे। भाई इस फिल्म का जो है बदला नाम आपने कैसे रखा और इस फिल्म की स्टोरी कैसे रहेगी और इसके अंदर हमारी हरियाणवी संस्कृति को किस प्रकार दिखाया जाएगा, तो रूबरू होते हैं यहाँ पर हमारे मौजूद है हाशी के एमसी है, उनसे रूबरू वहाँ एक बार नमस्कार कर दो जी। नमस्कार जी सबको। तो ये फिल्म को लेकर के हाशी के अंदर कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है जी, मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्में खूब बननी चाहिए। एक देश के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक बेटी का बदले के लिए फिल्म बनाई इन्होंने, तो इस हिसाब से फिल्में बननी चाहिए। और जहाँ हम हरियाणवी संस्कृति की बात करें तो हरियाणवी संस्कृति की किसी की झलक है इसके अंदर? बहुत बढ़िया झलक होगी। और हमारे साथी कलाकार मौजूद है हरियाणवी कलाकार, उनसे रूबरू होते हैं। आपने बता दूं इस फिल्म के जो मूवी के जो है मेन किरदार निभाने वाले हीरो भाई साहब है, उन तक आपने रूबरू करवाएंगे। भाई एक बार सारे नमस्कार कर दें। नमस्कार भाई साहब। ने फिल्म को लेकर हाशी में कितना उत्साह है फिलहाल? भाई पूरा उत्साह, मतलब पूरा वो है क्योंकि हरियाणवी फिल्में बहुत कम बनती हैं और हाशी में इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, वो बहुत बड़ी बात है और सबको मौका मिल रहा है। और इसमें हरियाणवी संस्कृति की बात करें तो हरियाणवी संस्कृति किसी की झलक है इसके अंदर? फिल्म पूरी झलक हरियाणवी की है भाई, हरियाणवी में ये फिल्म बन रही है सारी। प्योर हरियाणवी? हाँ प्योर हरियाणवी। जैसा कि आपने बताया जूँ, सबसे पहले हरियाणवी फिल्म चंद्रावल को लेकर के हरियाणा के अंदर उत्साह था, उसके बाद में दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को लेकर उत्साह था और आज इसी ऐतिहासिक जो है शहर हाशी के अंदर जो है बदला फिल्म को लेकर के एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणवी जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर के जो है बदला फिल्म जो निकाली इन्होंने उसको लेकर इतना उत्साह है। तो यहाँ पर मौजूद हमारे जो है मैडम, उनसे रूबरू वहाँ एक बार नमस्कार कर दो जी। सारे ने नमस्कार। तो फिल्म के बारे में बात करा, आपने फिल्म का जो है नाम बदला रखा है, ये किस उसमें रखा है? देखिए, अगर आप ये पूछेंगे कि फिल्म का नाम बदला क्यों रखा गया, तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाएगा आपको कि किस इशू को जो रिजॉल्व करना होता है तो किस तरह से कहते हैं। अगर हम देखें तो हमेशा से यही हुआ है कि कोई भी इशू होता है तो बेसिकली मेल्स ही होते हैं जो सामने आते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं या उसका बदला लेते हैं। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर ये है जो निकल के आने वाला है कि यहाँ पर बेटियाँ बदला आप कैसे लेंगी, वो इस मूवी में दर्शाया जाएगा, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ में और भी जो है कलाकार मौजूद है, उनसे रूबरू होते हैं भाई। तो भाई एक बार अपना नाम बता दे सारे दर्शकों ने। नमस्कार, मैं जीतू कुमार, एचआर धमाका न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ई भी इस फिल्म को लेकर के मैं आपको बात करूं भाई, हरियाणवी संस्कृति की किसी की झलक इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म में हरियाणवी संस्कृति की बहुत ज़्यादा झलक है क्योंकि ये पूरी फिल्म ही हरियाणा से जुड़ी हुई है, तो इसमें सभी कलाकार भी हरियाणा से हैं और क्या बताऊं मैं आपको, इसके डायरेक्टर भी हरियाणा से हैं, इसके प्रोड्यूसर भी हरियाणा से हैं, पूरी टीम ही हरियाणा से है। पूरी जो है कलाकारों की टीम है वो पूरी हरियाणवी है और पूरी हरियाणवी भाषा के अंदर जो है फिल्म है। हाँ जी, ये पूरी फिल्म हरियाणवी भाषा में ही है। तो हमारे साथ में और जो है हमारे मौजूदा साथी कलाकार है, उनसे भी रूबरू करवाएंगे अपने। तो भाई एक बार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं सतीश नायक और बहुत ही खुश खास बात है कि हरियाणा ये धमाका न्यूज़ वाले जहाँ पे भी होती है ना हमारी फिल्म पहुँच जाते हैं और ख़ासकर इस भाई का जो स्पेशल थैंक्स इसलिए भी कर रहा हूँ, ये हीरो से भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जो हम बदला मूवी बना रहे हैं ये एक नई सोच के मुताबिक, आज के हम जैसे कि मान लें बेटियों की हत्या है या रेप है या जैसे भी है उसको समाज के तौर पे ये दिखाने के लिए कि ये रोका जाए और इसका बदला भाई बेटियों का हम बदला ले सकते हैं, तो किसी ही मैटर का हम एक अलग तरीके से बदला ले सकते हैं कभी भी। हम उसी साथ में हमारे साथ में और भी हमारी साथी कलाकार है, उनसे भी रूबरू होते हैं, एक बार नमस्कार कर दो जी। सारे ने नमस्कार जी, मैं किरण मजोकी,
यो जो है हरियाणवी संस्कृति को लेकर जो फिल्म बनाई जा रही है, इसमें कितना उत्साह है, कितना जोश है और हरियाणवी संस्कृति की कैसी झलक है जी? मूवी देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी शूट कर रहे हैं और मुझे गुरुजी स्टूडियो के मेंबर के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू करूंगी इनका दिल से, धन्यवाद। तो भाई आपने, मैं बता दूं, आप फिलहाल जो है देख सको हो सामने, आपने जो है एक सिंघम देखी होगी, आपको जो है बिल्कुल सिंघम स्टाइल में, भाई साहब हमारे हीरो का जो रोल है सिंघम स्टाइल में, पुलिस इंस्पेक्टर का इसमें रोल है। और ये जो फिल्म आपने बता दूं, एक पिता के साथ में हुए अन्याय का बदला लेने के लिए, पिता के साथ में जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के लिए बेटियों ने किस प्रकार उसका बदला लेती है, इसके लिए जो है आप बने रहिए हमारे एचआर धमाका न्यूज से। और बहुत ही जल्द जो आपके सामने ये है, कितने दिन में आ जाएगी सर? ये इसी मंथ में कोशिश है पूरे, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में तो पक्का 100%। अच्छा, इसमें एक और जो है हमने देखा है भैया, आपने अनाउंसमेंट भी कराई है, जो हमारे और भी साथी कलाकार है जिनके अंदर कला है, वे अपना जो है कला दिखाने के लिए आपके प्लेटफार्म पर आ सके हैं। सर ये उन लोगों के लिए है जैसे हमारे गरीब फैमिली से हैं, जैसे कि मतलब कभी काफ़ी जगह है, जैसे कि हमारे ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे वो लोग पैसा मांग लेते हैं ये चीज़ में, तो हम फरी कोष्ठा का जो टैलेंट है भाई, हम उसको एक ब्रेक देना चाहते हैं कि भाई वो किसी मूवी में या ऑडिशन दे के हमारे साथ काम करें, वो सीख भी सकते हैं हमारे साथ रह के। तो इसी प्रकार जो है आप देख सको हो और अपने और भी जो है आस पड़ोस में जितने भी अपने कलाकार हैं उनको अपनी कला दिखाने का एक जो है सुनहरा अवसर भी दिया है गुरुजी स्टूडियो ने।